नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे, जहां बलदेव नगर चौक पर मुख्यमंत्री का अंबाला के विधायक असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं सहित जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत के बाद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। अंबाला बार एसोसिएशन के दिलबाग सिंह धनीपुर, संदीप सचदेवा और वकील साहिबान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जोरदार स्वागत किया और अपनी समस्याओं के हल के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। वहीं उन्होंने आईएमटी को लगाने के लिए मुख्यमंत्री से दोबारा आग्रह किया, जिससे अंबाला क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी ने आश्वासन दिया था चुनाव से पहले कि अंबाला में हम आईएमटी लगाएंगे, ताकि अंबाला के आसपास के क्षेत्रों का बहुत भारी विकास हो सके। लखनऊ आयुक्त मुकेश मिश्राम और एडीजी एसएन सामत उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही प्रशासन को किसानों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर यूपी एसआईडीसी में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। है ना, जो पीवीसी के पाइप पड़े हुए थे वो आगजनी का हिस्सा बने, और इसके अलावा सुबह से अभी तक किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ पर समुचित सुरक्षा है। इनकी जो मशीनरी या इनकी जेसीबी या इनकी जो निर्माण एजेंसीज हैं, उनको कहा गया है कि आप निर्माण कार्य कराएं, और समानांतर जो किसान हैं जिनको किसी प्रकार का एक असंतुष्टि का भाव है या जिनको किसी भी तरीके से शक है, संदेह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 6% जो भूखंड किसानों को हम, है ना, 2039 में से लगभग 1850 किसान हैं जिनको हम ये देने जा रहे हैं, जिनके अपने भूखंड हो जाएंगे, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उसकी पूरी प्लानिंग करके उसकी सड़क, पानी, बिजली की जो व्यवस्था है वो करके भी उनको दे देने से एक उनको लगेगा। कई बार उनको ये एक शुभा रहता है या एक शक रहता है कि पता नहीं हमको मिले ना मिले, तो इसलिए जो भी उनके साथ तय हुआ है, जो करार हुआ है, वो उनके हाथ में आ जाए, ये सबसे बड़ी। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के परिजनों से फिरौती मांगने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अतर्रा के रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग फोन पर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रकरण का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 का इनाम दिया है। वहीं एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है। देखिए, थाना सदर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा जी के मोबाइल पे 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी। मुकदमे के बाद इसकी तफ्तीश चालू हुई और जो पैटर्न जो प्राप्त हुआ उसमें ये निकला कि एक राजा दुबे जी हैं, जिन्होंने न्याय प्रसाद यादव के साथ पूरा षड्यंत्र किया था। उन्होंने चित्रकूट में रहने वाले चंद्रशेखर और बल्लू के माध्यम से जो कॉल कराया, ये चंद्रशेखर और बल्लू ने 2 बार कॉल करके इनसे रुपये की मांग की और धमकी वगैरह भी दिया। जब पुलिस को ये सूचना मिली तत्काल FIR दर्ज हुआ और आप देख ही रहे कि कितने कम समय में इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति जो गया प्रसाद यादव अभी गिरफ्त नहीं आया, उसके विरुद्ध इनाम की घोषणा की गई, जल्द उसको पकड़ लिया जाए। कपिलवस्तु से दुद्धी तक हो रहे NH 233 निर्माण के कारण व्यापारियों का आक्रोश चरम पर है। दरअसल बांसी नगर का हृदय स्थली कहे जाने वाले रोडवेज चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है, जिसका विरोध व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखकर जुलूस निकाल कर किया। व्यापारियों की मांग थी कि या तो पुल का निर्माण रोका जाए या फिर इसे पैक पुल की जगह पिलर वाले पुल में परिवर्तित किया जाए। वहीं सुबह 11 बजे तक चले प्रदर्शन के बाद SDM शिवमूर्ति सिंह व्यापारियों के बीच पहुंचे, जहां उनको ज्ञापन देते हुए व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर पुल का निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ तो वो लोग व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिसमें दुकान बंद से लेकर धरना, जुलूस और चक्का जाम तक किया जाएगा। अपने आपस में बैठ के विचार किया कि इसमें क्या होना है, इससे जो है हमारा नुकसान है, फायदा है, उभर के सामने आई सबकी सबकी राय थी। सबने कहा कि ये इसके बनने से हम लोगों का व्यवसाय, हम लोगों की जो है जीवनचर्या, जो कुछ भी है सब प्रभावित होगा। यहाँ तक कि जो है इसके बनने से ठेले वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, टैक्सियाँ खड़ी होने की जगह नहीं बचेगी। इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब इसके विरुद्ध हम लोग
जी जान से इसके विरोध में सड़क पे उतरेंगे। देखिए एनएच 233 के द्वारा बंद ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, पुल से लेकर पेट्रोल पंप तक एक बंद ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में सिर्फ रोडवेज चौराहे पर एक अंडर पासिंग की व्यवस्था की गई है और कहीं पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं किया। उस अंडर पास से को लेकर अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप के किसी को आना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। इस निर्माण के विरोध में हम सारे व्यापारियों ने इकट्ठा होकर यहाँ पे अपना एक धरना प्रदर्शन, एक विरोध हमने जताया है, शासन प्रशासन को बताया है कि इस ब्रिज की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनके आश्वासन पे पूरे वो खड़े उतरे और हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के इस समस्या से निजात पाएं। अगर हम लोगों की ये समस्याओं का निजात नहीं दिला पाते हैं तो निश्चित रूप से ये बांसी का व्यापारी इस बार इतना उग्र आंदोलन करेगा कि जो शासन और प्रशासन के लिए रोकना नामुमकिन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये रूपरेखा ये है, बांसी की जो हृदय स्थली है रोडवेज, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। और आवागमन तो ये है ही है कि इसमें जब बन जाएगा 15 फीट की रोड दे रहे हैं और सब बैंक इसी रोड पे है, चाहे वो काना विजया हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो, है ना, कचहरी हो, और इसके बाद जो है लोग कैसे आएंगे जाएंगे, कैसे अपना कार्यक्रम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेटर है कि इसमें जो है जो जिसने ये डिजाइन किया है, क्या सोच के डिजाइन किया गया है। संतकबीरनगर जिले में बिजली कर्मचारी कामकाज ठप करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय में ताला लगा दिया है और कार्यालय पर ही विद्युत कर्मियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि सीपीएफ और जीपीएफ के पैसों को लेकर विद्युत कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और पीएफ घोटाले को लेकर विद्युत कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों का पीएफ का घोटाला जो कि डीएचएफएल जैसी प्राइवेट कंपनी को 2200 करोड़ रुपए दिया गया विद्युत विभाग के टॉप मैनेजमेंट द्वारा, वो पैसा विद्युत कर्मचारियों का रिटर्न नहीं हो रहा है। विद्युत कर्मचारी चाह रहे हैं कि उस पैसे की गारंटी सरकार ले और सरकार उन दोषियों को दंडित करे जो टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं और विद्युत कर्मचारियों के सीपीएफ जीपीएफ जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को डुबा दिए हैं। तो आज हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में धरने पे बैठे हुए हैं। कोई कार्य विद्युत विभाग का नहीं किया जा रहा है जब तक कि सरकार इसकी गारंटी न ले ले कि हम एक श्वेत पत्र जारी करके विद्युत कर्मचारियों के सीपीएफ जीपीएफ का पैसा वापस करने की गारंटी दे। वहीं मऊ जनपद के संयुक्त संघर्ष समिति के विद्युत कर्मचारियों ने भी 48 घंटे तक काम का बहिष्कार किया, साथ ही घोटाले को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि 15 दिनों के सांकेतिक धरना देने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी, इसलिए अब सरकार ने हमें 2 दिन तक कार्य बहिष्कार करने पर बाध्य कर दिया है। उल्लंघन करके ये हमारे प्रबंधन के लोगों ने प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में हमारे पीएफ के 99% पैसे को लगा दिया गया। प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक सुरक्षित बैंकिंग की परिभाषा में नहीं आती हैं और वो पैसा करीब करीब हमारा डूब गया है। हमारी संघर्ष समिति कितना पैसा डूबा आप लोगों का? हमारा अरबों रुपया डूबा है, 4200 करोड़। तो हम सरकार से केवल हमारा संघर्ष समिति आज तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहेंगे कि आज ये 48 घंटे का कार्य बहिष्कार सरकार हमारे पर जबरन थोपी है, नहीं तो हम तो सरकार से केवल एक लाइन की अधिसूचना जारी करने के लिए कह रहे हैं कि विद्युत कर्मियों के पीएफ के पैसे के भुगतान के दायित्व लेने की एक अधिसूचना जारी कर दे। रामपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक बिना हेलमेट के बाइक से अपने घर लौट रहा था जिसके कारण ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सीओ केमरी लगातार सभी को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थे सोमपाल जी और वो कोयली थाना भोट के निवासी थे। वो केमरी से आ रहे थे अपने साइड से, तो किसी अज्ञात वाहन ने इनको ठोकर मार दिया
कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिली, तो चूंकि मैं केवड़ी क्षेत्र में भी था, तो लगभग 4 मिनट के अंतराल के 4 साढ़े 4 मिनट लगभग में हम लोग पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ पर तत्काल इनको एम्बुलेंस में लाद करके इनको भेजा गया, पर बचा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो मोटरसाइकिल थी उसमें हेलमेट टंगा हुआ पाया गया था, अर्थात हेलमेट लगाए नहीं। मेरे पापा थे, और कल शाम मेरी फ़ोन पर बात हुई 10 मिनट पहले लगभग, तो उन्होंने बताया मैं ड्यूटी से चल रहा हूँ। हाँ, फिर 15 मिनट के बाद फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। क्या करते थे आपके पिताजी? मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते थे, मेट के पद पर तैनात थे। कितने साल हो गए सर्विस करते हुए? लगभग 30 साल हो गए होंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपराधियों के बुलंद हौसले की खबर सामने आई है, जहां सरे राह चलते एक डॉक्टर पर हथियारों से लैस अपराधियों ने हमला कर दिया और 35,000 की नकदी छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के गांव गोविंद मजारा के निवासी डॉक्टर राजेंद्र को देर शाम 4 से 5 युवकों ने चलती बाइक से टक्कर मारकर गिरा दिया और उसके बाद उन पर हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ मंगलवार रात 9 बजे लूटपाट मार पिटाई, जितना उनसे मारा गया हमारा। कितने लोग थे वो? वो 5 थे। उन्होंने पहले मेरी बाइक को साइड मारी जी, ठीक है, तो मैं संभल गया दोबारा, फिर मैं आगे निकल, उन्होंने साइड मार के नीचे गिरा के जी हॉकियों से मेरे साथ पूरी तरह से मार पिटाई की। मेरे सिर में बहुत मारा है उन्होंने, जहाँ उनसे लगी उन्होंने मारा है। क्या शक है आपको किसी के ऊपर? नहीं सर, शक नहीं है मेरे को किसी, पहले कोई ऐसी कोई वो घटना ही ना किसी से ऐसी कोई। कौन सी कार थी? मारुति कार है। कौन सा दिन था जिस दिन आप घटना हुई आपके साथ? मंगलवार रात 9 बजे। तो कितना कैश था आपके लूटा उन्होंने? मेरे पास सर 30 से 35 के समथिंग इतना था। कोई और नुकसान हुआ आपको इसके अलावा? बस ये नुकसान है, हैंड इंजरी है, सिर में स्टिचिंग है 11। तो पुलिस की कार्रवाई अब तक कहाँ तक पहुँची है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ सुराग लगा है? नहीं, अभी कोई सुराग नहीं लगा। वहीं ग्रेटर नोएडा दादरी रेलवे क्रॉसिंग सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने डॉक्टर राजीव आहूजा पर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही बदमाशों ने डॉक्टर की होंडा सिटी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। बता दें कि डॉक्टर आहूजा दादरी के मोहन स्वरूप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। वहीं यह हादसा तब हुआ जब डॉक्टर अपने घर लौट रहे थे। ग्रेटर नोएडा के बिस्खरा थाना इलाके के पतवाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दबंगों ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक पीड़ित ने पुलिस पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए बताया कि सभी आरोपी गांव में अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आगरा थाना जीआरपी कैंट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि इन दिनों ट्रेन से मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर जीआरपी आगरा कैंट पुलिस सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के बैग से भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला, जिसकी कीमत लगभग 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़ा गया व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास पता करने में जुटी है। रेलवे स्टेशन आगरा कैंट के सर्कुलेटिंग एरिया से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 11 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ पे इसने बताया कि ये ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के बाहर इसको डिलीवरी मिली थी और एक साजिद नाम का लड़का है दिल्ली का, जिसने इसको भेजा था, और विस्तृत इसकी हम पूछताछ कर रहे हैं और जानकारी इसके बारे में। और बाराबंकी के खेतों में जलाई जा रही पराली से लगातार वायु प्रदूषण और धुंध में इजाफा हुआ है, जिससे आम जनजीवन भी काफी प्रभावित है। बताया जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों में खांसी, आंखों में जलन, दमा जैसी कई गंभीर बीमारी की समस्या भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि एनजीटी की सख्ती के बाद भी लगातार वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जिला प्रशासन की चिंता और भी बढ़ा दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही किसानों पर FIR दर्ज कर जुर्माना भी लगाया है। कि आप सभी जानते हैं कि इस समय
पूरे देश में और हमारे प्रदेश में और ख़ासतौर से जो दिल्ली NCR है उसमें जो वायु प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है और हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि इससे निपटने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी NGT द्वारा भी इसमें आदेश दिए जा रहे हैं कि हर जगह इसमें प्रयास किया जाए कि पराली जलाने की जो एक प्रथा है उस पर प्रभावी रोक लग सके। हमारे जनपद में भी पिछले कुछ दिनों में लगभग 51 ऐसे लोगों पर जुर्माने हम लोग ने ठोके हैं, लगभग 2,17,000 के, जिन्होंने पराली जलाने का प्रयास किया है। और यही नहीं, 5 लोगों पर FIR भी हुई है, 188, 278, 290 और 291 जो धाराएं होती हैं IPC उसके अंतर्गत 5 लोगों पर FIR भी हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रोडवेज बस स्टेशन में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें यातायात महीने के तहत सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। आपको बता दें कि यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से आयोजित हुए इस संयुक्त कार्यक्रम में मिलक विधायक राजबाला की मौजूदगी में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं इस दौरान लोगों से सड़क पर चलते वक्त अपनी सुरक्षा के इंतजाम रखने पर जोर दिया गया। साथ ही ARTO अरुण कुमार ने भी नियमों का पालन करने से हादसों से बचने पर जोर दिया। इस मौके पर CO ट्रैफिक अशोक कुमार पांडे, ARM SK नागर, TSI सुमित कुमार समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे। यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया है कि अगर हम यातायात के नियमों के प्रति जागरूक होंगे तो ये दुर्घटनाएं होंगी नहीं, कमी आएगी इनमें। उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने आंदोलन किया जिस पर जिलाधिकारी ने कप्तान ने लाठी चार्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद किसानों को बुरी तरह पीटा गया। साथ ही किसानों ने अपना दुखड़ा रोकर 60% विकलांग की भी बात कही। मऊ मधुबन स्थानीय थाना क्षेत्र के धर्मपुर बिसुनपुर ग्राम पंचायत के बिंटोलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई, वहीं एक बदमाश भागने में सफल रहा। साथ ही बदमाश के पास से 2 पिस्टल और एक बाइक भी बरामद हुई। इस दौरान 2 पुलिस के जवानों के VP जैकेट पर गोली लगी जिससे पुलिस के जवान सुरक्षित बच गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना क्षेत्र मधुबन अंतर्गत बिंटोलिया गांव के पास इस जंगल में आज पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाशों को जब पुलिस के द्वारा घेरा गया, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर, पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं मौके पे एक मोटरसाइकिल है, 2 असलाह मौके से बरामद हुए हैं। इस एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है जिनको प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल CHC ले जाया गया जहाँ उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। बदमाश की शिनाख्त का भी प्रयास कराया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको ले जाया जा रहा है। 2 लोगों को जो BP जैकेट क्योंकि पहन रखी थी तो BP जैकेट में 2 लोगों को गोली लगी है और कुछ गाड़ी में डैमेज हुआ है, गाड़ियों भी गोली लगी जो पुलिस की गाड़ी। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में 2 भाइयों ने अपने पिता के अपमान का बदला लेते हुए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार 15 साल पहले एक युवक ने अपने पिता का अपमान किया था जिसके चलते दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी से काट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थाना अजनर क्षेत्र के गांव नगारा डांग में परसों रात्रि के करीब 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपहृत जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है उसकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई है। वादी की तहरीर पर 3 लोगों को इसमें नामजद किया गया था जिसमें 2 मैन अभियुक्त कलुटार हरिश्चंद्र जो आपस में भाई भी हैं उनको आज पुलिस के द्वारा सुबह 6:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 कुल्हाड़ी जो इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई थी उन दोनों को भी बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करा जेल। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए Live 24।